ओके बच्चों, सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ यार, पिछली क्लास में थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम की आपकी। इट माइट बी बिकॉज कि रक्षाबंधन का त्योहार था तो बच्चे मतलब राखी बंधवा रहे थे। हाँ, तो एक दो दिन तक राखी कंटिन्यूस बन रही होगी, शायद किसी के यहाँ पे मेहमान मेहमान आए होंगे, त्योहार है तो, है ना। तो पर अब थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई के मूड में आ जाओ वापस से सब, ठीक है। क्लास में अटेंडेंस देखो अभी भी मुझे थोड़ी कमी दिख रही है, तो जो भी है। सर कल आपने सिलेंडर वाला क्वेश्चन दिया था। हाँ अर्नव, बिल्कुल सही, मैंने क्वेश्चन दिया था सिलेंडर वाला, ठीक है, वो भी देखते हैं अपन। तो सबसे पहली चीज तो, जो भी बच्चे क्लास में अब्सेंट हो रहे हैं या लेट आ रहे हैं, तो यार ऐसा मत करा करो यार, ठीक है। आप अगर सिर्फ, मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग तो देखते हो यार आप सब, रिकॉर्डिंग में तो व्यू में देख रहा हूँ अच्छे खासे आते, पर आप लोग क्लास में दिख नहीं रहे हो। मतलब कि यही है कि आप लोग है ना बार बार रिकॉर्डिंग देख रहे हो, क्लास में नहीं आ रहे हो। ऐसा करोगे तो आप फायदा नहीं ले रहे हो। लाइव क्लास का जो मेन एम होता है ना, कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, फिर आपने अटेम्प्ट करा, नहीं आया तो आपने आपका डाउट पूछा मुझसे। देखो लर्निंग क्या होती है, लर्निंग ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वीडियो देख लिया आपने तो आपको सीख गए आप कुछ। कई स्टडीज ऐसा शो करती है कि सिर्फ वीडियो देखने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको तो उल्टा है ना गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाते हैं। तो क्योंकि वो वीडियो देखते हैं, कुछ दिमाग में आता है, और अगर उन्होंने कुछ आइडिया बना लिया दिमाग में, और फिर उसी आइडिया को लेके चलते हैं। फिर कई बार क्या होता है, जो हम यहाँ टीचर्स बोलते हैं वो पूरी चीज सुनते नहीं है, जो उनके दिमाग में आइडिया बैठा हुआ है उसी से रिलेटेड चीजें वो सुनते हैं, उसके अलावा बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देते। तो उनके दिमाग में जो कंसेप्ट है वो उसी को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, और वो जरूरी नहीं कि कंसेप्ट सही हो सकता है कुछ मिसकंसेप्शन आपने बना लिया, और उसको आप स्ट्रॉन्ग करते जाओ, स्ट्रॉन्ग करते जाते हो। तो लाइव क्लास का फायदा यही है कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या ऐसा समझ, ऐसा कर रहा है ये सही है क्या, इस तरह से करना सही है क्या। आप आपके आइडियाज मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं आपसे डिफरेंट डिफरेंट आइडिया शेयर कर सकता हूँ, तो इससे लर्निंग ज्यादा अच्छी होती है। सेकेंड चीज, लाइव क्लास में जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, टाइम देता हूँ, आप सॉल्व करते हो, तो उसमें ना आप एक टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन करने का थोड़ा सा हैबिट होती है। यहाँ पर कई बच्चे जैसे आंसर दे देते हैं, आपको पता चलता है कि आंसर आ गया बच्चों का, तो आपको भी थोड़ा सा एक स्पीड अप होने का मोटिवेशन मिलता है। पर अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आपके पास ये मोटिवेशन तो है ही, तो रिकॉर्डिंग उस सेंस में ठीक है कि कभी हम कोई कॉन्सेप्ट भूल गए हैं तो उसे रिकॉल करना है, या कभी हमारी कोई क्लास मिस हो गई तो उसे हमको देखना है। पर क्लास मिस करके सिर्फ रिकॉर्डिंग ही देखना, ये तो मुझे बेवकूफी लगती है। समझे बात? यस, गुड इवनिंग आयुष, ठीक है। मतलब अगर सिर्फ रिकॉर्डिंग देख देख के, वीडियो देख देख के अगर बच्चे सीख जाते हैं ना, तो फिर क्या हो जाता देश में, मतलब आईआईटी में भयंकर कंपटीशन बढ़ जाता अगर सिर्फ वीडियो देख के बच्चे सीख जाते। तो कब से यूट्यूब पे जमाने भर की वीडियो अवेलेबल है, आज जो यूट्यूब पे बाढ़ सी आई हुई ना, कई सारी कोचिंग यूट्यूब पे चल रही है सिर्फ, ये कब से है, मतलब बहुत दिनों से है, ये सिर्फ आज का सिचुएशन नहीं है। आज तो लोग ज्यादा अवेयर हो गए ऑनलाइन के लिए, लेकिन जैसे मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ कि YouTube पे कई टीचर्स ने अपने वीडियो डाले हुए हैं। वो तो अभी क्या है, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा स्कूल क्लास नहीं जा पा रहे बच्चे, तो वो YouTube का सहारा ले रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा देख रहे हैं। पर मैं तो कब से देख रहा हूँ YouTube पे तो कई सारे वीडियो अवेलेबल है। अगर बच्चा सिर्फ उनको ही देख के सीख जाता तो अभी तक तो कई सारे अपन को रैंकर्स दिखना चाहिए थे, कई सारे जैसे बहुत स्टैंडर्ड जो टीचर्स है उनके कई सारे कई दिनों से यूट्यूब पे चल रहे थे चैनल, बहुत अच्छे टीचर्स, लेकिन वो ऑफलाइन क्लास में ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पा रहे थे और ऑनलाइन वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। रीजन बिंग, ऑनलाइन रिजल्ट आना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज इट्स सोलली डिपेंडेंट ऑन द मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट एंड इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। जैसे अभी भी मैं बात करूँ मेडिकल के अभी जैसे IIT का तो मेंस के पेपर हो गए है, और अभी सेप्टेम्बर में एडवांस आने वाला है, तो एडवांस के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो उनके डाउट्स आते हैं वो लगातार इंटरेक्ट करते रहते हैं। जब उनके डाउट से वो इंटरेक्ट करते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि इनको क्या नहीं आया था, तो हम उस हिसाब से उनको ज्यादा चीजें बता पाते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है यही इंपॉर्टेंट होता है सीखने के लिए, ठीक है। अभी हमको लग रहा है कि अगर हम ऑफलाइन होते तो उनको ज्यादा पढ़ा पाते अच्छे से, लेकिन ठीक है फिर भी चल रहा है काम। तो जो भी बच्चे सिर्फ ऑनलाइन रिकॉर्डिंग ही देख रहे हैं यार, वो गलत कर रहे हैं, खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है ना। यस हाँ, ये साजिश बहुत सारे, वो तो एक एग्जाम्पल है, वो तो नया नया है, बहुत बहुत रिनाउंड टीचर्स के कई सारे यूट्यूब पे चैनल थे, या अलग से उनकी वेबसाइट वगैरह थी, बहुत दिनों से जो कर रहे थे ऑनलाइन पढ़ा रहे थे,
बच्चे ऑनलाइन पढ़ के नहीं पढ़ पाते यार कभी भी, क्योंकि जो मोटिव ऑनलाइन में क्या होता है ना, अपने आप को बच्चा है ना भगवान मानने लगता है, उसको लगता है कि एक वीडियो देख लिया तो उसको सब आ गया। ऑनलाइन में कोई क्रॉस क्वेश्चन होता नहीं है, या आपने सॉल्व करा उसमें गलती क्या ये तो पता चलती नहीं आपको, ठीक है। ऑफलाइन में हम आपको बता पाते थे कि इसमें ये गलती है, इसमें ये प्रॉब्लम है, आपने ये तरीका गलत लगा लिया। तो आप गलती कर करके जब उसे रेक्टिफाई करते हैं तो उससे सीखता है बच्चा, तो वो चीज़ तो वहाँ बिल्कुल अब्सेंट है। तो आपको लगता है मैंने तो ये वीडियो देख लिया, मेरे को तो सब आ गया फिजिक्स में, दो चार इजी इजी क्वेश्चन कर लिए। ऑनलाइन में इजी क्वेश्चन कराते देखना, और क्वेश्चन भी थोड़े से सिंपल सिंपल ही लेते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए, सारी जनता को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वो कभी भी ज़्यादा लेवल की चीज़ लेके नहीं जाते, और जेई एग्जाम के सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जेई में हर तरह के क्वेश्चन देते हैं, दो चार सिंपल भी होते हैं, दो चार बहुत टफ भी होते हैं, बाकी मॉडरेट होते हैं। तो जो सिंपल जो जेई के क्वेश्चन है वो दिखा के बोल देंगे कि देखो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों को लगता है वाह यार हमको तो जेई के क्वेश्चन आ गए, हमको तो सब हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो रैंक क्यों नहीं आती है, ठीक है। हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, उसकी उससे तो कुछ मतलब उसके बिना तो कुछ भी अचीव नहीं हो सकता, ठीक है। वो होना चाहिए, लाइफ में इंटरेक्शन जरूरी है, और सीखता बच्चा सिर्फ इंटरेक्शन से ही है ना। यहाँ सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से कोई सीखता नहीं है, थ्योरी किताब में भी है वो पढ़ के, तो सब किताबें तो कब से आ रही है ना, वीडियो भी कब से चल रहे हैं। चलो अब अपन पढ़ाई पे आ जाते हैं, बहुत बातें हो गई। तो मैं देख रहा था कि कल अटेंडेंस कम थी इसलिए मुझे थोड़ा आज बोलने का लगा, बाकी मेरी इच्छा तो रहती कि अपन अपना टॉपिक पे स्टिक करें ताकि अपन कोर्स को टाइम से करें। आपका 7 नवंबर को KBPY है, तो आई होप कि बच्चों ने KBPY का फॉर्म भरा है आप सबने, और KBPY से पहले पहले मैं चाह रहा हूँ कि अपना सिलेबस वेल बिफोर KBPY कंप्लीट कर ले अपन, अच्छे जो टॉपिक्स से सेमीकंडक्टर वगैरह वो सब हो जाए ताकि KBPY का पेपर आप सबका अच्छा जाए, ठीक है। तो ये मैं अपना टारगेट लेके चल रहा हूँ, मतलब मेरा खुद का जो टारगेट है वो ऐसा है, और बाकी नॉर्मल मेरी जो स्पीड है उस हिसाब से आराम से अपन कर लेंगे, है ना। चलो तो अब पढ़ाई पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने कौन एक क्वेश्चन दिया था सिलेंडर का, तो सिलेंडर के ऊपर फोर्स पूछ लिया था मैंने, ठीक है, रेडिएशन की वजह से फोर्स पूछ लिया था। तो आप लोगों ने आई होप कि अटेंड करा है, अटेम्प्ट करा है, और एक काम करें यार, मुझे किसी ने सॉल्यूशन तो भेजा ही नहीं उसका, तुम्हारे ग्रुप पे भेजा था क्या किसी ने? देखो मतलब आपने अटेम्प्ट नहीं करा है तो फिर मैं क्यों बताऊं, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ देखो किसी बच्चे का कोई मेरे पास रिप्लाई नहीं आया, तो होमवर्क क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करो और ग्रुप पर भेजो, समझ गए, फिर मैं उसे डिस्कस करूंगा। तो नहीं क्या अटेम्प्ट, अच्छा वेरिएबल दो आ रहे हैं, दो नहीं आएंगे, आइडिया दे देता हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। जो सिलेंडर था उसमें एरिया का एलिमेंट कैसे लेना है वो मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। तो इसको टॉप से ये जो लाइट की डायरेक्शन थी ना, वहां से कुछ थीटा एंगल पे थोड़ा सा एंगल ले लो, और ऐसी स्ट्रिप ले लो, इस तरह की स्ट्रिप ले लो एलिमेंट। तो इस पूरी स्ट्रिप पे लाइट का और इस एरिया के नॉर्मल का एंगल फिक्स हो जाएगा, ये थोड़ा फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा, है ना। अगर तुम इसको टॉप से देखो ऊपर से देखो तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा डायग्राम। ऊपर से देखने पर ये वो डायरेक्शन है जिसमें लाइट आ रही थी, तो लाइट की डायरेक्शन ये थी, इस तरह से लाइट आ रही है ना। तो मैंने जो स्ट्रिप दिखाई है वो 3D में ऐसा दिख रही है, टॉप से देखने पे वो स्ट्रिप तो अपन को यहाँ पर छोटा सा लाइन जैसे दिखेगा, यहाँ पर ये वो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का नॉर्मल वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा, वो मान लो यहाँ से थीटा एंगल पे था तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो नॉर्मल के साथ लाइट थीटा एंगल पे। इस स्ट्रिप पर फोर्स निकाल के फिर क्वेश्चन को आगे करना आप, समझे। हाँ तब हो जाएगा, जैसे अभी मैंने आपसे बस बोला ही कि बच्चे डाउट पूछते हैं, इंटरेक्ट करते हैं तो चीजें समझ में आती है। अब अभी मेरे पास एक बस बच्चे का फोन आया है ना, अभी मैंने कैंसिल कर दिया, कॉल पिक नहीं किया, तो ये चलते रहता है बच्चे। ये टॉप टॉपर बच्चा है मेडिकल का, आपको नाम भी बता देता हूँ, अभिमन्यु सोपती, तो देखना इसके टॉप रैंक में नाम आएगा। ये हो गया, पर वो हो गया, एक लड़की और है ध्वनि भानिता, तो दो चार बच्चे हैं ये लगातार डाउट डिस्कस करते रहते हैं, तो उससे सीखते, ठीक है। चलो वापस आते हैं यहाँ पर फिर अपन। तो ये मैंने बता दिया कैसी स्ट्रिप लेना है, इस स्ट्रिप के एरिया को छोटा सा एरिया डीए ले लेना, इस स्ट्रिप पे लगने वाले फोर्स को डीएफ ले लेना, और फिर उस फोर्स के इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस करना आगे, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते, हम लोग पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब स्टार्ट करा था हमने, हमने समझा था कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम देख रहे थे। तो व्हाट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते हैं और उससे हम स्टडी करते हैं। क्या सेटअप होता है हमारे पास, एक ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने, ठीक है। इन इलेक्ट्रोड के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकते हैं, यहाँ स्विच है, एक एमिटर है जो करंट मेजर करेगा, और यहाँ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जो भी मेजर करने के लिए हमने वोल्टमीटर लगा दिया। ये बैटरी वेरिएबल वोल्टेज की है, इसको मैं उल्टा भी कनेक्ट कर सकता हूँ। नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर है उसको कैथोड बोला जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल जहां पर एनोड बोला जाता है ना, ये केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर है। और जो कैथोड है उस पर लाइट फॉल कराई हमने ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी, तो लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी गिरने से क्या होता है, इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आने लगते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए इनको कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन, और फोटो इलेक्ट्रॉन जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है ट्यूब में उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ चलने लगते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ चलने लगते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब एनोड पे पहुंचते हैं तो वापस से सर्किट में फ्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो का उल्टा हमें करंट दिखता है। इस करंट को हमने नाम दिया था फोटो करंट, ठीक है। फिर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे एक्सपेरिमेंट के, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुए। पहला ऑब्जर्वेशन आपको बताया था कि जो लाइट फॉल कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से ज्यादा होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, फॉर PEE फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होने के लिए, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड और इक्वल टू थ्रेशोल्ड, और लैम्डा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा थ्रेशोल्ड, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। इसको हम अगर वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो नहीं कर पाते हैं। वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से रिलेशन नहीं था, तो ऐसा क्यों होता है यहाँ पर ये समझ ही नहीं आता वेव थ्योरी से। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन की थ्योरी या फोटोन थ्योरी से हमको आसानी से समझा सकते हैं, क्योंकि जो लाइट फॉल करती है वो फोटोन से, वो पार्टिकल से, और ये पार्टिकल अपने साथ एनर्जी लेके आ रहे हैं। ये पार्टिकल की एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर सकता है, और अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा अगर उसे एनर्जी जो मिल रही है वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन बाहर कब आ सकता है, जब एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। इससे हम समझ सकते थे कि न्यू पर कंडीशन क्यों है, क्योंकि न्यू यहाँ पर दिख सकता है हमको अब कि 5/h से बड़ा होना चाहिए। 5/h को अपने लैम्डा न्यू थ्रेशोल्ड बोल दिया था, और ऐसे अपन ने लैम्डा थ्रेशोल्ड भी निकाला था, वो आ गया था हमारे पास HC/5, ठीक है। तो बाय फोटोन थ्योरी हम आसानी से एक्सप्लेन कर पा रहे थे, और हमने ये पॉइंट भी समझा था, ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था कि जो फोटोन फॉल कर रहे हैं तो एक बार में दो फोटोन अब्जॉर्ब नहीं करता इलेक्ट्रॉन, एक बार में एक ही फोटोन अब्जॉर्ब करेगा। मतलब ये होगा कि जब लाइट गिरेगी तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वर्क फंक्शन की आधी आधी एनर्जी के दो फोटोन वो अब्जॉर्ब कर ले और बाहर आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई, ठीक है, चलो, है ना। या दो अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है तो इसलिए क्या होता है कि फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी वो बाहर आ सकता है। तो ये अपन ने एक फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर लिया था। हाँ, एक को एक ही बाहर ला सकता है, यस, ठीक है। एक डाउट आया कि इलेक्ट्रॉन भी पार्शियली ऑब्जॉर्ब, नहीं, इलेक्ट्रॉन पार्शियली किसी को, फोटोन ऑब्जॉर्ब होता है ना बेटा, तो स्टेटमेंट थोड़ा सही होना चाहिए, कैन फोटोन भी पार्शियली ऑब्जॉर्ब, तो आंसर इज नो, पार्शियली ऑब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। ये अपन आगे जाके और समझेंगे, मैं एक सिचुएशन बताऊंगा जब पार्शियली ऑब्जॉर्ब होता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा। अब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ऑब्जॉर्ब पार्शियल फोटोन, ठीक है। सर, क्या एक इलेक्ट्रॉन दो कंप्लीट फोटोन को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, नहीं, ये नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा होता तो दो दो फोटोन ऑब्जॉर्ब करके जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से आधी है वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते थे, पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जॉर्ब ही नहीं होता है ना अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हो तो, ठीक है। वर्क फंक्शन से कम एनर्जी के फोटोन ऑब्जॉर्ब करके भी इलेक्ट्रॉन आ सकता था अगर मल्टीपल फोटोन वो ऑब्जॉर्ब कर पाए, पर हमने देखा कि यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता ही नहीं है फ्रीक्वेंसी कम हो तो, ठीक है निमित। चलो,
इसका ये पॉस्टुलेट है, ये पॉस्टुलेट है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास अभी, है ना। हो सकता है कि इसका एक्सप्लेनेशन हो, पर अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे लिए तो पॉस्टुलेट है ये, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हमने देखा था। अब और ऑब्जर्वेशन भी देखे थे हमने अपनी यहाँ स्पेस में, ऊपर देख लेते हैं अपन। जो ट्यूब में करंट था ना, फोटो करंट, इसको इस पोटेंशियल के साथ प्लॉट करते हैं। ट्यूब के फोटो करंट को पोटेंशियल के साथ प्लॉट करते हैं। तो फोटो करंट को प्लॉट करते हैं पोटेंशियल के साथ, जो भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं उसके साथ। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। अगर मैं जीरो पोटेंशियल से आगे बढ़ू तो करंट धीरे धीरे बढ़ता है, या फिर जाके कांस्टेंट हो जाता है एक लिमिट पर। करंट पहले तो बढ़ता है, फिर करंट मैक्सिमम लिमिट पे जाके कांस्टेंट हो जाता है। ये जो करंट की मैक्सिमम लिमिट आती है, इसे बोलते हैं हम सेचुरेशन करंट। इसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, इसे बोलते हैं सेचुरेशन करंट, ठीक है। तो करंट धीरे धीरे बढ़ता है, एक लिमिट पे जाके कांस्टेंट हो गया, ऐसा दिखता है हमको। ऐसा क्यों हो रहा होगा ये समझते हैं जरा ध्यान से, ठीक है। क्या होता है ये समझ में आया? अब क्यों हो रहा है ये समझेंगे, ठीक। देखो क्यों होता है ऐसा। तो जब लाइट यहाँ फॉल करती है, सो लाइट फॉल करने से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके बाहर आ सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जस्ट ऑन द सरफेस हो, थोड़े अंदर थोड़ी सी डेप्थ के इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है एनर्जी अब्सॉर्ब कर ले और बाहर आ जाए। जस्ट सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है, वो जब एनर्जी अब्सॉर्ब करके बाहर आएंगे तो उनके किसी दूसरे से कोलिजन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन थोड़ी डेप्थ में थे, वो जब बाहर आने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो मल्टीपल कोलिजन बीच में सफर करें। हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड करे, हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से या कर्नल जो बोलते हैं आप उससे कोलाइड करे। बिकॉज मेटल के अंदर क्या होता है, उसमें तो कर्नल्स होते हैं, देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दैट सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, प्रोवाइडेड उसे एनर्जी मिल जाए। जब एनर्जी मिलेगी वो बाहर आने की कोशिश करेगा। इन ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोसेस हो सकता है अंदर कोलिजन हो जाए, तो उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाए। ये बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन में सफर कम कोलिजन और इलेक्ट्रॉन में सफर सम एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस। अब उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई, तो जितनी एनर्जी लाइट ने दी है वो सब की सब इलेक्ट्रॉन एक जैसी एनर्जी लेके बाहर आए, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आ सकते हैं जो सरफेस से आ रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी लेके भी आएंगे, है ना। जो इलेक्ट्रॉन ये बाहर आते हैं ना, उनकी अलग अलग एनर्जी होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होते हैं जो जस्ट जीरो एनर्जी से आते हैं, बेचारे जस्ट बाहर ही आ पाए, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जी से आएंगे, जिस एनर्जी को अपन ने मैक्सिमम एनर्जी बोल दिया, ठीक है। तो अलग अलग एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। अब अलग अलग एनर्जी है उनकी, तो जिनके पास ज्यादा एनर्जी है वो तो इस कैथोड से काफी दूर तक जा सकते हैं, और जिनके पास कम एनर्जी है, कैथोड से निकले तो कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैथोड पहले न्यूट्रल था, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो उससे पॉजिटिव चार्ज आया। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वापस भी खींचेगा, पर इस इलेक्ट्रॉन के पास अगर एनर्जी होगी तो इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन को ओवरकम करके वो दूर जा सकता है। एनर्जी नहीं हुई तो बेचारा निकला बाहर, उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, पॉजिटिव चार्ज ने उसे वापस खींच लिया। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलो दक्ष, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, दक्ष ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से समझो मैं जो बोल रहा हूँ उसका उतना ही मतलब है, और एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं निकालना अपन को, है ना। थोड़ा ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। इस कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं, सॉरी फोटॉन्स या लाइट जो फॉल कर रही है, लाइट से इनको एनर्जी मिल रही है जिससे बाहर आ रहे हैं। अब जब ये बाहर आएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेके आए जरूरी नहीं है। ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ है ना। फिर अब ये बाहर जब निकल रहे हैं तो इन सबकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके पास अच्छी ज्यादा एनर्जी होगी, कुछ के पास ज्यादा अच्छी एनर्जी होगी। जिनके पास बहुत कम एनर्जी है, ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी है, वो तो कैथोड से बाहर निकले और कैथोड ने उन्हें फिर से खींच लिया अपनी तरफ, क्योंकि कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आया था, तो इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा कैथोड। और जिन इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा एनर्जी थी वो इजीली दूर जा सकते हैं, सही है ना। जिनके पास ज्यादा एनर्जी है वो इजीली दूर जा सकते हैं। तो अगर मैं जीरो पोटेंशियल लगा के बात करूं, जीरो पोटेंशियल, ठीक है, अन्नो बात करेंगे शांति, जीरो पोटेंशियल की बात करें, जीरो पोटेंशियल की जब बात करूं तो यहां मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया,
मैं जीरो पोटेंशियल लगा रहा हूँ, मतलब मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ करंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट फॉल करने से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनके पास एनर्जी भी होती है, जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो हो सकता है यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर जाए, और जब यहाँ पहुंचेगा तो इस सर्किट में से फ्लो करते हुए यहाँ आ जाएगा। करंट फिर भी आ सकता है ट्यूब में जीरो पोटेंशियल लगाकर भी, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी। बात समझ में आई? जीरो पोटेंशियल पर भी क्यों करंट आ रहा है ये दिख रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं वैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट करती है एनोड पे आने के लिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाती है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुंचने लगते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले सब यहाँ पहुंचने लग रहे हैं, तो धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, जिससे यहाँ पे करंट बढ़ता है, और बढ़ते 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 एक ऐसा पोटेंशियल आता है जब सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड के अब एनोड पे पहुंच रहे हैं, अब करंट और नहीं बढ़ सकता, अब करंट कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो करंट क्यों इंक्रीज होकर कॉन्स्टेंट हो रहा है ये समझा अपन। ठीक है, आयुष पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन साथ दे रहा। हाँ, हो सकता है उनमें आपस में रिपल्शन हो, पर हम उन सब की बातें नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स का जो आपस का फोर्स है वो सब अपन देख नहीं रहे। ठीक है, चलो, तो करंट क्यों धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल के साथ ये समझा, और एक लिमिट के बाद जाके करंट कॉन्स्टेंट क्यों है, ये लिमिट पे क्या हो रहा होगा, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं सारे फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंच रहे, जितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकले वो सब एनोड पे पहुंचे, इसलिए ट्यूब में मैक्सिमम पॉसिबल करंट आ गया। ठीक, मैक्सिमम पॉसिबल करंट होना क्यों है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन थे सब पहुंचने लग गए, ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे वो अब एनोड पे पहुंचने लग गए, तो अब इससे ज्यादा करंट तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो सेचुरेशन करंट क्यों है ये समझा अपन। चलो, तो ये हमने समझा कि करंट का ग्राफ ऐसा क्यों आता है। अब मैं पोटेंशियल को नेगेटिव में लगा देता हूँ, इस बैटरी को उल्टी कनेक्ट कर देता हूँ, अपोजिट पोटेंशियल नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन सब अट्रैक्ट नहीं होंगे, रिपेल होंगे, एनोड से रिपेल होंगे, तो करंट और कम हो जाएगा। करंट कम होते 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 जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट कम होते होते जीरो हो जाएगा। थोड़ा नेगेटिव पोटेंशियल मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाएगा, थोड़ा ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पे मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पा रहा है, नेगेटिव एक ऐसा पोटेंशियल आ जाता है जिस पर मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाता है एनोड तक, इस नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल जो होता है इसका मैग्नीट्यूड जो होता है इसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। व्हाट इज दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल? इस ट्यूब का वो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन सब एनोड पे पहुंच नहीं पाते, जो मैक्सिमम एनर्जी का भी इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है इधर जाने के लिए, लेकिन अब तुमने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया तो रिटार्ड हो रहा है, तो रिटार्ड होते 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 तो उसकी स्पीड इससे पहले ही जीरो हो जाती है, एनोड पे पहुंचने से पहले ही जीरो हो जाती है, फिर वो बेचारा वापस चले जाता है क्योंकि उधर की तरफ उस पर फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे रिटार्ड होते होते एनोड से पहले ही स्पीड जीरो के वापस चले गया, मैक्सिमम एनर्जी वाला भी नहीं पहुंच पा रहा है, जो कम एनर्जी के थे वो तो और पहले ही मुड़ जाएंगे, जो मैक्सिमम एनर्जी का था वो एनोड से जस्ट पहले मुड़ के वापस चले जाएगा, तो फोटो करंट ही खत्म हो गया। वो नेगेटिव पोटेंशियल जिससे मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है एनोड पे पहुंचने से पहले, दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये समझे? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है ये समझो बस। आयुष, मैं जो बोल रहा हूं पहले उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? यू कैन राइट इट डाउन, आप लिख सकते हो उसे, आप लिखो दिस इज द नेगेटिव पोटेंशियल एट विच द फोटो करंट सीजेस, फोटो करंट खत्म हो जाता है, फोटो करंट इज जीरो। एट दिस पोटेंशियल इवन द मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज नॉट एबल टू रीच एनोड, इवन द मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज नॉट एबल टू रीच एनोड। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी एनोड पे नहीं पहुंच पा रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है जो नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन रिटार्ड हो रहे हैं, तो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की भी पूरी एनर्जी यहां से पहले ही खत्म हो जाती है और वापस चले जाता है। ठीक, तो वी स्टॉप पे क्या होना चाहिए? एट वी स्टॉप जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या लूज कर रहा है ट्यूब में, दो इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी लूज कर रहा होगा यहां से यहां तक आने में, वो के मैक्स के बराबर हो गई, मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने में अपनी एनर्जी लूज कर दे रहा है, तो एनर्जी गेन्ड और लूज इन सम पोटेंशियल डिफरेंस वो होती चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस,
दिस इज इक्वल टू के मैक्स, तो मैक्सिमम एनर्जी वाला भी यहां पर नहीं पहुंच पा रहा, इससे जस्ट पहले एनर्जी खत्म हो गई वापस चला गया। ये चीज समझ में आई क्या, ये इक्वेशन समझ में आ रही है? चलो इसको नोट करो अच्छे से, देखो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। एट बी स्टॉप, बी स्टॉप वो पोटेंशियल है नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब क्या है कि अब एनोड पर आने में इलेक्ट्रॉन रिटार्ड हो रहे हैं, तो रिटार्ड होते होते उनकी स्पीड कम होती है, उनकी एनर्जी कम होती जा रही है, वो एनर्जी लूज कर रहे हैं। कितनी एनर्जी लूज करेंगे, चार्ज इन टू पोटेंशियल डिफरेंस, द एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स, द एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम एनर्जी, जो मैक्सिमम एनर्जी वो भी लूज हो गई, उससे कम एनर्जी वालों की तो पहले ही खत्म हो गई थी, वो तो थोड़ी दूर में उनकी एनर्जी खत्म हो गई वापस पलट गए, मैक्सिमम वाला भी एनोड से थोड़ा पहले ही वापस पलट गया, तो मैक्सिमम एनर्जी वाला भी अब एनोड पे पहुंच नहीं पा रहा है, वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है चलो, अमन पूछ रहा है EV इक्वल टू वर्क डन वोल्टेज, E इंटू वी का मतलब क्या है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस हो रहे हैं वो वी स्टॉप से, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द एनर्जी गेन्ड और लूज्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज मूव करता है तो क्यू वी की एनर्जी गेन या लूज करता है, क्यू इंटू वी ये होता है एनर्जी गेन या लॉस्ट, वो के मैक्स है। सर हाँ बोलो सर, तो जो सैचुरेशन करंट होता है उस पर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो जीरो के ई फोटो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी पहुंच जाएगा एनोड पे। हाँ यही तो होता है सैचुरेशन में, बिल्कुल सही, जिसके पास यहाँ जीरो एनर्जी थी वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फुल करके एनोड तक लेके आ जाती है, बिल्कुल सही। तो सर उस पर भी ऐसी एनर्जी की इक्वेशन लिख सकते हैं फिर? हाँ उसमें इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी से पहुंचेगा एनोड पे वो आप लिख सकते हो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है प्लस चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वो यहाँ पर एनर्जी हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी प्लस एनर्जी गेन इक्वल टू फाइनल एनर्जी, बोल सकते हो सर 100% सही। ठीक है यस सर। चलो निमित बोल रहा है के ई मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिफाइन करेंगे, हमें अभी कुछ डिफाइन नहीं करना है, शांति समझते चलो बस चीजों को अभी। पार्ट पूछ रहा आई स्क्वायर आर वाली एनर्जी, आई स्क्वायर आर वाली कौन सी एनर्जी, वो तो रजिस्टर में हीट होती है, आई स्क्वायर आर हीटिंग इफेक्ट की वजह से पावर होती है, यहाँ कौन से आई स्क्वायर आर क्या करेंगे अपन, पार्ट रेजिस्टेंस वगैरह कुछ छोड़िए, तो ट्यूब तो वैक्यूम है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। ठीक है चलो, तो हमने समझा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होना चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें क्या बता देगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से हमको के मैक्स समझना पड़ेगा। अभी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम एनर्जी पर डिपेंडेंट है, वेव थ्योरी के हिसाब से, लाइट की वेव थ्योरी के हिसाब से, लाइट यहाँ जब फॉल करती है अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओ तो उसमें आने वाली एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ाओ तो आने वाली एनर्जी बढ़ेगी, मोर इंटेंस लाइट मतलब मोर एनर्जेटिक लाइट, मोर एनर्जेटिक लाइट तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो ज्यादा एनर्जी से आना चाहिए, ज्यादा एनर्जी से आना चाहिए तो ये जो वी स्टॉप पे डिपेंड करना चाहिए के ई मैक्स पे और के ई मैक्स इंटेंसिटी पे, तो इसका मतलब वी स्टॉप इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी वी स्टॉप इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए, पर प्रैक्टिकली हमें पता चला वी स्टॉप इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये इंटेंसिटी के साथ वेरी नहीं करता है, वी स्टॉप डज नॉट चेंजेस विद इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ ही चेंज नहीं होता है, इफ फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट, इफ फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट, अगर आप फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रखो तो वी स्टॉप बदलता नहीं है, इंटेंसिटी चेंज करने पर सेचुरेशन करंट बदलता है पर ये नहीं बदलता, ये जो सेचुरेशन करंट है ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, वी स्टॉप डिपेंड नहीं करता। तो वेव थ्योरी से थोड़ा सा हमको ना फिर से इस पॉइंट को समझाने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखकर इंटेंसिटी बदल दूं, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखकर इंटेंसिटी बदल दूं, तो जो हमारा करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ था उस ग्राफ में कुछ ऐसा चेंज आता है, वी स्टॉप सेम रहता है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर सेचुरेशन करंट बढ़ जाता है, वी स्टॉप सेम रहता है, इंटेंसिटी अगर I1 से I2 करी
सपोज आई टू ज्यादा है आयरन से तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। वी स्टॉप चेंज ही होता है इफ फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, इफ न्यू इज कांस्टेंट। बोलो ये बात समझ में आई? अगर फ्रीक्वेंसी हम कांस्टेंट रखते हैं और इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं सो वी स्टॉप वोंट चेंज ओनली सैचुरेशन करंट बढ़ता है। ये बात समझ नहीं आ रही थी यार, वेव थ्योरी के हिसाब से तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट भेजोगे तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलना चाहिए थी, और उसको ज्यादा एनर्जी मिल रही है तो ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगना चाहिए था। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉन्स्टेंट क्यों दे रहा है, बहुत समस्या आ रही थी इसको समझ में। हरी बात आपको समझ में है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ? ठीक है चलो एक पॉइंट और बताते हैं। अब बी स्टॉप फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता है, ये हमें पता चला है, ये तो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता है। बी स्टॉप डज नॉट चेंज विद इंटेंसिटी, इफ फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट इट चेंजेस विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ बदलता है। तो ये तो बात और समझ नहीं आ रही थी हमको यार, फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे बदल सकता है? ठीक है तो इसके लिए हमने, मैं आपको ग्राफ बताता हूँ बी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी बदले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता है, उसका ग्राफ देखते हैं हम कैसा ग्राफ आया। तो ग्राफ कुछ इस तरह का है, ग्राफ कुछ इस तरह का है बी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, एक लीनियर ग्राफ दिखता है। और डिफरेंट डिफरेंट मेटल की बात करें, किसी और मेटल की बात करें तो ग्राफ का स्लोप चेंज नहीं होता, बस उसका इंटरसेप्ट चेंज हो जाता है। अलग अलग मेटल की बात करूं तो ग्राफ का स्लोप चेंज नहीं होता, दिस स्लोप इज कॉन्स्टेंट। दिस आर ग्राफ फॉर डिफरेंट मेटल्स, ऑफकोर्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे ही इसे ड्रॉ करेंगे, थ्रेशोल्ड अलग अलग हो सकती है, मेटल्स पे डिपेंड करती है। सो दिस इज फॉर सम मेटल वन एंड दिस इज फॉर सम मेटल टू। फॉर डिफरेंट मेटल्स विच स्टॉप हैज डिफरेंट इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, बट स्लोप इज कॉन्स्टेंट। ये हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ऐसा अजीब सा क्यों रिलेशन आ रहा है, विच स्टॉप फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट ही क्यों है। इसको आइंस्टाइन ने समझा दिया, इसी के लिए मतलब ये पूरे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने समझा दिया, इसलिए नोबेल प्राइज मिला होगा। ठीक है अब इसे कैसे समझते हैं ये हम भी देखते हैं। तो आइंस्टाइन ने कैसे समझाया, बाय फोटोन थ्योरी। जब फोटॉन्स फॉल करते हैं लाइट के, जब लाइट पे फोटॉन्स फॉल करते हैं उन फोटॉन्स की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। जितनी फोटॉन ने एनर्जी दी वो पूरी ही अब्सॉर्ब होती है, पार्शियल अब्सॉर्ब नहीं करता इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन उसने अब्सॉर्ब करे, उसमें से वर्क फंक्शन के बराबर उसे बाहर आने में खर्च करना पड़ेगा। एनर्जी जो अब्सॉर्ब हुई वो एनर्जी ऑफ फोटॉन है, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में खर्च करना पड़ेगी, बची हुई एनर्जी लेके वो बाहर आ सकता है। दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी जिससे वो बाहर आ सकता है। ये बात समझ में आ रही है, किस मैक्सिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है वो होती है एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन। इज दिस पॉइंट क्लियर? द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी जिसको लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है वो होती है एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन। हो सकता है अंदर वो कोलिजन करे तो इससे कम एनर्जी को लेकर भी आ सकता है। ये वाली इक्वेशन तो वैलिड है, ये तो वैलिड है। इसमें जो मैक्सिमम एनर्जी होती थी ना वो डिपेंड करती है एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन पर। ये आइंस्टाइन ने बताया, इसको बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नोट करिए, हाँ दस बोल रहा है केमिस्ट्री में पढ़ा था, यस इसे बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी को लेकर बाहर आ सकता है वो हमको समझ में आया। ठीक है अब केई मैक्स को तो फिलहाल केई मैक्स ही लिखे रहने देते हैं अपन। एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी रिटन एच यू, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती है, एंड दिस वर्क फंक्शन लेट्स से उसको फाइव लिख दिया फिलहाल। तो हमें दिख रहा है ना कि के ई मैक्स इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी एंड दिस के ई मैक्स वॉज रिलेटेड विद स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो बाय दिस इक्वेशन आई कैन राइट ई बी स्टॉप एच न्यू माइनस फाइव, ई से डिवाइड कर दो तो बी स्टॉप इट मस्ट बी एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाइव बाई ई।
So we are also getting an equation which is a straight line relation between v stop and the frequency. हमें यहां से समझ में आ रहा है कि v stop frequency के साथ straight line relation होना चाहिए, दिख रहा है आपको? तो ये ग्राफ ऐसा क्यों है वो क्लियर हो गया, आइंस्टाइन की इक्वेशन से समझ में आ गया हमको कि ऐसा रिलेशन क्यों है। आ रहा है ये? ठीक है। तो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की काफी सारी पजल्स को समझा दिया था, इसलिए नोबेल प्राइज मिला था। बहुत सारे ऐसे चीज थी जो समझ ही नहीं आ रही थी, और आइंस्टाइन की इक्वेशन से सब कुछ क्लियरली दिखने लग गया कि कौन सी चीज क्यों हो रही है, तो उसका क्या रीजन है। और इनफैक्ट आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट करा द स्लोप ऑफ ग्राफ शुड बी 1/2 प्लैंक कांस्टेंट अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो भी सेट हो गया, वो भी सही मिला हमको। दिस स्लोप टैन थीटा इज प्लैंक कांस्टेंट अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस इज पाई बाय वर्क फंक्शन अपॉन ई। अलग अलग मेटल की वर्क फंक्शन अलग अलग हो सकता है, उसको फाई वन फाई टू बोल दिया। डिफरेंट मेटल में वर्क फंक्शन अलग होता है, तो ये इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा, वाई एक्सिस पे स्लोप विल बिकम कॉन्स्टेंट, सेम स्लोप की अलग अलग इंटरसेप्ट की लाइन बनेगी, वी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। देखो अच्छे से, कहीं कोई डाउट है इसमें तो बताइए। हाँ अर्नव, बिल्कुल सही है ना। चलो, अर्नव ने एक सही चीज नोट करी है कि हम लोग उल्टा चल रहे हैं, हम पहले ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं बाद में थ्योरी देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, मेरा यही तरीका है पूरा मॉडर्न को अपन ऐसे डिस्कस करेंगे हमेशा। हम अधिकतर जगह पे पहले देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या है, फिर देखेंगे थ्योरी क्या है। ठीक है, मॉडर्न को सबसे पढ़ने का बेस्ट तरीका यही होता है, खासकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ऐसे ही अच्छे समझ में आता है। पहले ऑब्जर्वेशन देखो, ऐसा होता है उसकी एक थ्योरी है, ये होता है फिर उसकी एक थ्योरी। ठीक है, चलो तो क्या सारी चीजें हैं क्लियर? क्या ये ऑब्जर्वेशन सारे क्लियर हमको याद रहेंगे सब, और इन्हें एक्सप्लेन भी कर दिया आइंस्टाइन इक्वेशन से। अच्छा, ये जो आइंस्टाइन इक्वेशन है, एनर्जी ऑफ फोटॉन को तो आप अलग अलग तरह से लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ फोटॉन में भी एच सी बाय लैम्डा, वर्क फंक्शन को एच सी बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड लिख दो, तो वैसे भी इसको इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो इक्वेशन को। के मैक्स को लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो स्पीड होगी वो लिख देंगे, एनर्जी ऑफ फोटॉन को लिख देना एच सी बाय लैम्डा, वर्क फंक्शन को लिख देना एच सी बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। न्यू के टर्म में लिख दो, ये लिखा ही है, इस फाई को एच न्यू थ्रेशोल्ड कर दो, तो मल्टीपल फॉर्मेट हो सकते हो उस इक्वेशन को लिखने के। ठीक है, चलो अब एक छोटी चीज और बचती है, एक पॉइंट और बचता है हमारा ऑब्जर्वेशन का, वो देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा स्पेस है, यहाँ बना देता हूँ मैं। मुझे बताओ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूँ कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, तो क्या ग्राफ होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी चेंज करूँ कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, तो क्या ग्राफ होना चाहिए? मैं यहाँ शुरू की चीज हटा के बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी चेंज करूँ कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, तो क्या ग्राफ होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करा और फोटो करंट के बीच में, फ्रीक्वेंसी बदल रहा हो और इंटेंसिटी कांस्टेंट रखता हूं, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ये इनिशियल ग्राफ था, अब फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी मान लो, तो वी स्टॉप का क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो वी स्टॉप क्या होना चाहिए बताइए? वी स्टॉप बढ़ जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो, है ना? वो दिख रहा है हमको, वी स्टॉप बढ़ जाएगा, वी स्टॉप बढ़ जाएगा। व्हाट अबाउट सेचुरेशन फोटो करंट? व्हाट अबाउट सेचुरेशन फोटो करंट? व्हाट अबाउट सेचुरेशन फोटो करंट? सेम रह रहा है, बच्चे कुछ बोल रहे हैं, सेम रह रहा है। ठीक है, नहीं, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ग्राफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ बट इंटेंसिटी कांस्टेंट रखो तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। पहले वाले ग्राफ को थोड़ा सा ऊंचा बना देता हूं मैं, ऐसा कुछ हो जाता है। ये वी स्टॉप अलग अलग, यहां पर वी स्टॉप लिखा है मैंने, और यहां लिखा है माइनस वी स्टॉप डैश, स्टॉप इज इंक्रीज, वी स्टॉप बढ़ गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है ना, और मैंने इंटेंसिटी को रखा था कांस्टेंट,
मैं बता रहा हूँ आपको कि सैचुरेशन फोटोकरंट कम हो जाता है। एनी गेस क्यों कम होगा? एनी गेस? मैं इंटेंसिटी कांस्टेंट रखता हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। सैचुरेशन फोटोकरंट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कम हो जाता है। क्यों कम होगा? हिंट देता हूं चलो आपको। व्हाट इज डेफिनेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी फॉर फोटॉन, वो सोचो। इंटेंसिटी का मतलब होता था नंबर ऑफ फोटॉन इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय टाइम, ये होता था इंटेंसिटी का मतलब होता था नंबर ऑफ फोटॉन इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय टाइम। नंबर ऑफ फोटॉन इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन डिवाइड बाय एरिया बाय टाइम, ये होता था ना। हाँ ऋत्विक ने सही समझ लिया, बिल्कुल सही। हमने इंटेंसिटी कांस्टेंट बोली है और मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी ऑफ फोटॉन बढ़ेगी। एनर्जी ऑफ फोटॉन में अगर इंक्रीज कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ फोटॉन कम आ रहे होंगे ना, तभी तो इंटेंसिटी कांस्टेंट रह सकती है। समझ में आई बात? इफ आई एम इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी देन आई एम इंक्रीजिंग द नंबर, देन आई एम इंक्रीजिंग द एनर्जी बाय ईच फोटॉन एंड सेम टाइम आई एम डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन, तभी प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है नंबर ऑफ फोटॉन इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन का, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटॉन कम हो गए होंगे। नंबर ऑफ फोटॉन कम हुए तो सेचुरेशन करंट कम हो गया होगा। बाय, बिकॉज कम नंबर के फोटॉन गिर रहे, कम फोटॉन गिरेंगे तो वही इलेक्ट्रॉन भी कम निकल सकते ना, इलेक्ट्रॉन कम निकल सकते तो सेचुरेशन फोटो करंट कम हो जाना चाहिए। क्लियर? अच्छे से सोचो, इसको नोट करो अच्छे से। बढ़िया, अब इसके साथ साथ मैं आपको इसमें कुछ वार्निंग भी दे देता हूं। कुछ बुक्स में क्या करा गया है कि गलतियां करी गई है कुछ जगह पर। वो लोग क्या कर देते हैं कि इंटेंसिटी कांस्टेंट बोल देते हैं लेकिन करंट सेम दिखा देते हैं, ऐसा आपको मिलेगा। कई क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि ऐसी गलतियां होती है। ठीक है, लॉजिकली अगर मैं लॉजिकली बात करूं, सो व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी आई एम डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन, द सैचुरेशन फोटोकरंट शुड डिक्रीज। ठीक है, वो कम ही होना चाहिए। पर किताबों में कई बार क्या करते हैं, वो लोग इंटेंसिटी का मतलब लिख देते हैं नंबर ऑफ फोटॉन, वो लोग एनर्जी ऑफ फोटॉन काउंट नहीं करते, वो लिख देते पहले ही। उनका पहले ही कहीं लिखा हुआ रहता है कि इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन, वो नंबर ऑफ फोटॉन कॉन्स्टेंट रख के बात कर रहे हैं। वो इंटेंसिटी कांस्टेंट कह रहे हैं, इसका मतलब वो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन कांस्टेंट है। अगर ऐसा है तब सेचुरेशन करंट कांस्टेंट कहना सही बात है। ठीक है, अगर उन्होंने कहीं ऐसा लिख दिया है कि नंबर ऑफ फोटॉन इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कांस्टेंट मतलब नंबर ऑफ फोटॉन कांस्टेंट, तब उनकी बात बिल्कुल सही है। अगर करंट कांस्टेंट दिखा रहे तो सही है ना, बोलो सही बात है क्या, है ना। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ जगह पर आपको इसमें प्रॉब्लम मिल सकती है। ठीक, ओके, नोट करो। और अच्छी बात यह है कि आईआईटी में जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो वो लोग हमेशा स्पेसिफाई कर देते हैं कि क्या कर रहे हैं, वो लोग हमेशा ढंग से स्पेसिफाई करते हैं, तो हमें वहां पे कभी कंफ्यूजन का स्कोप नहीं देता है। ठीक है, इंटेंसिटी का साफ साफ मतलब होता है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अगर वो कांस्टेंट रखकर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो ग्राफ ऐसे ही होना चाहिए। चलो ये नोट कर लीजिए, इसे कुछ डाउट कहीं पर भी, क्या क्या समझा अपन ने, ये सब क्लियर? कैसे आइंस्टाइन ने अच्छे से क्लियर कर दिया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, एक पॉइंट बचता है अपना, वो डिस्कस करते, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। एक और ऑब्जर्वेशन, एक और ऑब्जर्वेशन आइंस्टाइन सॉरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक और ऑब्जर्वेशन देखिए। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। एज सून एज लाइट इज इंसिडेंट ऑन कैथोड, एज सून एज लाइट इज इंसिडेंट ऑन कैथोड फोटो करंट इज ऑब्जर्व। As soon as light is incident on cathode, photocurrent is observed.
एज सून एज लाइट इज इंसिडेंट ऑन कैथोड फोटो करंट इज ऑब्जर्व देर इज नो टाइम लैग देर इज नो टाइम लैग कुछ टाइम नहीं लगता है यहाँ पर जैसे ही लाइट गिरती है वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट मुझे दिखता है फोटो करंट मुझे दिखता है कोई टाइम लैग नहीं होता फोटोन थ्योरी से इसे समझने की कोशिश करें तो बहुत इजी बात है भाई फोटोन जब गिर रहे हैं तो पूरा पूरा बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी आ रहा है उस बंडल में जो एनर्जी है वो एक साथ आ रही है अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा एक साथ वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके बाहर आ जाएगा उन एनर्जी कम है तो नहीं आएगा सिंपल सी बात तो वेव थ्योरी से तो बहुत ईजी हो जाता है सॉरी पार्टिकल थ्योरी से बहुत ईजी है समझना पर वेव थ्योरी से थोड़ा दिक्कत होती है ठीक है यस आयुष बिल्कुल सही तो पार्टिकल थ्योरी से समझने में तो वेव थ्योरी से समझने में थोड़ी दिक्कत होती है वेव थ्योरी के हिसाब से जो इंटेंसिटी होती है ना वो डिपेंड करती है ओनली एम्पलीट्यूड पे अब हम इंटेंसिटी कुछ फिक्स रखें इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ठीक है तो उसके हिसाब से कुछ टाइम लगना चाहिए अगर हमको वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी अब्सॉर्ब करना है एनर्जी को अगर वर्क फंक्शन के बराबर रख दूं तो कुछ टाइम लगना चाहिए टाइम को आप लिख सकते हो एनर्जी जो चाहिए आपको डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय इंटेंसिटी ठीक है अगर मुझे वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी गेन करना है तो कुछ टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा ये एरिया क्या ले ले तो मान लो कि आपने जो भी यहाँ पर पूरा हमने पूरी सरफेस ली है या एक एक एटम का एरिया ले लो एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो एटम का एरिया ले लो इंटेंसिटी जो भी लाइट की इंटेंसिटी वो रख देंगे वर्क फंक्शन रख देंगे यू कैन कैलकुलेट टाइम कितना लगना चाहिए मान लो कि सीजियम का वैसे तो बहुत कम वर्क फंक्शन होता है अपन मान लेते वर्क फंक्शन उससे भी कम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इंटेंसिटी 1 मिलीवॉट विच इज वेरी नॉर्मल नॉर्मल लाइट की इंटेंसिटी 1 मिलीवॉट ले सकते और एरिया एटम का एरिया ले लेते तो एटम की रेडियस किस ऑर्डर में होती है बताओ एटम की रेडियस किस ऑर्डर में होती है थोड़ा बड़ा एटम की बात करें अगर अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की रेडियस की बात करें तो किस ऑर्डर में होती है नहीं नहीं सानिध्य हाँ दक्ष सही बोल रहा है एंगस्ट्रॉम्स के ऑर्डर में होती है बिल्कुल सही ठीक है तो फ्यू एंगस्ट्रॉम्स के ऑर्डर में होती है एटम की रेडियस डी ब्लॉक एलिमेंट्स की रेडियस की बात करें जैसे गोल्ड वगैरह की बात करें एंगस्ट्रॉम्स के ऑर्डर में होती है तो इसे आप कुछ एंगस्ट्रॉम डाल दो एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर करोगे तो रेडियस का स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर करने पर 10^-20 बनेगा वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल दिया तो 1.6 × 10^-19 बनेगा इंटेंसिटी 1 मिलीवॉट के लिए तो 10^-3 हो गया या 10^-19 नीचे ये 10^-20 और ये -3 सॉल्व करके देखो कुछ सिग्निफिकेंट टाइम आ रहा है करके देखो क्या आ रहा है बताओ वर्क फंक्शन ले लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एरिया के लिए रेडियस ले ली 1 एंगस्ट्रॉम तो पाई आर स्क्वायर का ऑर्डर 10^-20 आ जाएगा और इंटेंसिटी इज 1 मिलीवॉट इंटेंसिटी इज 1 मिलीवॉट 10^-3 वॉट तो देखो क्या आ रहा है टाइम का ऑर्डर बताइए अरे इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार इतनी सी सड़ी सी कैलकुलेशन में 10^-19 का ऑर्डर है इसका ये 10^-20 ये 10^-3 नीचे 10^-माइनस क्या हो गया -20 -3 -23 ऊपर ले गया +23 +23 -20 -19 का तो 10^4 10^4 के ऑर्डर में आ रहा है टाइम आ रहा है कुछ समझ में 10^4 है ना थोड़ा कम भी होता मान लो वो एरिया का पाई वाई भी लगा दो ऊपर 1.6 भी लिख दो थोड़ा कम भी कर दो तो 10^4 नहीं 10^3 हो जाएगा और कुछ चेंज करो चलो 10^2 हो जाएगा 10^2 क्या 10^1 मान लो चलो 10^1 भी तो काफी बड़ा टाइम है 10 सेकेंड 1 सेकेंड भी टाइम बहुत बड़ा होता है
अगर 1 सेकंड भी टाइम लग रहा है तो काफी बड़ा टाइम लग रहा है, तो लाइट के गिरने में और इलेक्ट्रॉन निकलने में टाइम लग रहा है कुछ, वेव थ्योरी के हिसाब से टाइम लगना चाहिए, पर एक्चुअली होता नहीं ऐसा, समझ में आ रहा है? काफी सिग्निफिकेंट टाइम लगना चाहिए वेव थ्योरी के हिसाब से, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी गेन करने में सिग्निफिकेंट टाइम लगना चाहिए, पर एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, जैसे ही लाइट गिरती है वैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, समझे बात यार, है ना? तो ये एक और फेल्योर हुई वेव थ्योरी की, इसलिए हमको है ना वेव थ्योरी छोड़ के फिर नई थ्योरी सोचना पड़ी, तो लाइट का फोटोन का मॉडल समझ में आया फिर हमको, ठीक है? चलो ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए आप, ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर ये हो जाए तो फिर ये सेचुरेशन करंट के बारे में कुछ बात करते हैं हम, सेचुरेशन करंट के बारे में कुछ बात करते हैं। देखो कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहां से, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय कितने फोटॉन गिरे थे, नंबर ऑफ फोटॉन, ये जो रेशो आता है इस रेशो को हम बोलते हैं क्वांटम इफिशियंसी। क्या बोलते हैं? क्वांटम इफिशियंसी, क्वांटम इफिशियंसी ये बताता है कि कितने फोटॉन गिरे वर्सेस कितने इलेक्ट्रॉन निकले, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी बता रहा है एक तरह से, कि मटेरियल कितना अच्छे से फोटॉन अब्सॉर्ब कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स कितना अच्छे से बाहर निकल पा रहे हैं, मटेरियल की सरफेस तुमने बहुत शाइनी कर दी तो मैक्सिमम फोटॉन तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो अब्सॉर्ब ही नहीं होंगे, और अगर तुमने उसको बाहर से बिल्कुल ब्लैकेंड कर दिया, मतलब मटेरियल को ऐसा बनाया कि वो सारे फोटॉन अब्सॉर्ब करे, तो फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो दिस रेशियो इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एज वेल एज द नेचर ऑफ सर्फेस, सर्फेस का नेचर कैसा है, सर्फेस अब्सॉर्बिंग है, सर्फेस रिफ्लेक्टिंग है, इन सब पे डिपेंड करता है ये कितनी आएगी, और एक पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल के लिए कॉन्स्टेंट हो जाएगा। आ रहे समझ में क्वांटम एफिशिएंसी का मतलब? क्वांटम एफिशिएंसी इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहे हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन जो गिर रहे थे, ठीक है? अब कितने फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं पर सेकंड, ये हो जाएगा सेचुरेशन करंट अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई ये जो सेचुरेशन करंट था ये जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उन सबके यहां पहुंचने की वजह से आया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकता हूं मैं, चार्ज टोटल जो फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना मुझे, ये था चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ये आया क्या समझ में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर यूनिट टाइम यहां से मिलेगा अपन को, करंट अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, सही है क्या? और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब नंबर ऑफ फोटॉन कैसे निकाले, तो ये तो पढ़ा है अपन ने नंबर ऑफ फोटॉन निकालना इंटेंसिटी से, लाइट की इंटेंसिटी इनटू एरिया, ये हो गया एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय एक फोटॉन की एनर्जी, एच पी बाय लैम्डा लिख दो या एच लिख दो, ठीक है? और अगर इंसिडेंस किसी एंगल पर हो तो कॉस थीटा भी आ जाता है ना, इंसिडेंस किसी एंगल पर हो तो कॉस थीटा भी आ जाता है, चलो ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है क्या? हाँ, दिस क्वांटम एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एज वेल एज नेचर ऑफ सरफेस, तो क्वांटम एफिशिएंसी समझ में आया आपको? क्वांटम एफिशिएंसी हम निकाल भी सकते हैं, इफ आई नो द सेचुरेशन फोटो करंट And if I know the this intensity into area can be the power. This is the power falling on the surface. This is nothing but power. है ना? Surface पे कितनी power गिर रही है उसको अपन IA cos theta लिख सकते हैं, that is power. ये cos theta क्या होता है? Angle of incidence. ठीक है? तो हमें अगर surface से fall होने वाली power पता है, divide by SC by lambda कर दो, तो हमको number of photon मिल जाएंगे. नंबर ऑफ फोटॉन और ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रेशियो क्वांटम एफिशिएंसी, तो वी कैन आल्सो फाइंड आउट दिस क्वांटम एफिशिएंसी, ठीक
है। सर नंबर ऑफ फोटोन नहीं आया यार। नंबर ऑफ फोटोन तो पिछली क्लास में अपन ने करा था ना, जब हम रेडिएशन प्रेशर पढ़ रहे थे, तो जितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम है उसको एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करो। बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं मिलकर, टोटल जो एनर्जी ला रहे, टोटल एनर्जी बाय एक फोटोन की एनर्जी इज द नंबर ऑफ फोटोन। सही ना? टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एक फोटोन की एनर्जी। ठीक है, अब ये एनर्जी पर यूनिट टाइम लिया, क्योंकि ये करंट भी तो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, ऊपर भी पर यूनिट टाइम, नीचे भी पर यूनिट टाइम है, तो पर यूनिट टाइम का रेशो नॉर्मल रेशो बन जाएगा। ठीक, क्वांटम एफिशिएंसी क्लियर? तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, मुझे लगता है कि सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है अपनी। अब हम इस पर क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। तो बहुत सारी थ्योरी है यहाँ पर, सब चीजें आपको याद करना पड़ेगी, सारी चीजें अच्छे से याद रखो। बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ पर, न्यूमेरिकल भी बनेंगे इस इक्वेशन पर, अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, है ना? अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सब नोट हो गया है तो हटा दूं? ओके, वेरी गुड। चलो तो कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते, धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ाते जाएंगे लेवल में। ठीक है, पहले तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ फाइव थाउजेंड एंगस्ट्रॉम, 7,000 एंगस्ट्रॉम, फिर 1,000 एंगस्ट्रॉम। ये तीन फोटॉन की एनर्जी निकालो, उसके अलावा वन नैनोमीटर एंड लास्ट -9 मीटर या -7 सेंटीमीटर। चलो, ये कुछ मैंने वेवलेंथ दे दी है, इन सभी वेवलेंथ के फोटॉन्स की एनर्जी बताओ, इन सभी वेवलेंथ के फोटॉन्स की एनर्जी बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ बेसिक चीजों से स्टार्ट कर रहे हैं अपन एनर्जी कैलकुलेशन से। अच्छे से जल्दी से करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस आयुष, बिल्कुल सही।
चलो कॉल करते, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने सोचा थोड़ा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करें। आपको मैंने बताया था एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकाल सकते हैं हम, इट वॉज एस सी बाय लैम्डा, और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये बताया था एस सी 12,420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये यूज कर सकते हो। आपको शायद केमिस्ट्री में 4,400 बताया हो, इट्स ऑल्सो ओके बिकॉज नियर ही है वो, तो उसको 0,000 भी ले सकते हो, है ना, ऑल आर अप्रोक्सीमेटेड। ठीक है चलो, तो इसको यूज कर लो, आपको ये यूज करना है तो बस, और निकालते जाओ सबकी एनर्जी। तो ये 5,000 7,000 जो है ना, 5,000 ये कौन सा कलर होता है, रेड से स्टार्ट होती है धीरे धीरे, नहीं रेड नहीं, वॉयलेट से स्टार्ट होती है, ये थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का कलर ही होता है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन जैसा कुछ कलर होता है। 5,500 के आसपास येलो आता है, 7,000 रेड की होती है। तो ये पहले जो हो जाएंगे ना, वो विजिबल लाइट के फोटॉन्स से, विजिबल लाइट की एनर्जी पता चलेगी, समझे, 1,000 एंगस्ट्रॉम पे। हाँ विजिबल लाइट के आप निकालोगे तो देखो समर्थ का आंसर आया 2.48, 1.88, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी आती है विजिबल की, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर 1,000 एंगस्ट्रॉम जो वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। समर्थ तुम्हारा आंसर थर्ड वाले का गलत है, 12.4 होगा वो, 12.4 होगा वो समर्थ, थर्ड वाले की 12.4 आएगी, काफी ज्यादा एनर्जी आ रही है, 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 नैनोमीटर 12,420 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 नैनोमीटर को आप 10 एंगस्ट्रॉम लिख सकते थे, दिस इज 10 एंगस्ट्रॉम, और लास्ट वाला जो है उसको भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। ठीक है चलो, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, लिखो अगला क्वेश्चन। फाइंड एनर्जी ऑफ फोटॉन, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटॉन फ्रीक्वेंसी दे दी है, एनर्जी ऑफ फोटॉन बता रहा है, फ्रीक्वेंसी दे दी है, एनर्जी ऑफ फोटॉन बता रहा है, जूल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बताएंगे, इन जूल्स एंड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में बताओ। सेकेंड क्वेश्चन, चलो तो आपको मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं सेकंड क्वेश्चन में, इन सभी फोटॉन्स के आपको मुझे एनर्जी बतानी है, इन सभी फोटॉन्स के आपको मुझे एनर्जी बतानी है।
चलो आंसर आ रहे हैं मेरे पास बच्चों के। तो पहला जो क्वेश्चन था उसमें फ्रीक्वेंसी दे दी थी मैंने, तो बच्चों ने बताइए। ऋत्विक आ गया है, निमित का भी आ गया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से तो निकालना बहुत आसान हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन सिंपली एच 6.63 इंटू 10^-34 इंटू न्यू विच इज 10^14। तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10^-20 जूल्स, और 1.6 10^-19 से डिवाइड कर दो, तो दिस इज ऑल्सो 6.63 अपॉन 1.6 10^-19 से डिवाइड करोगे तो एक 10^-10 बचेगा, तो 10^-1 बचेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। बस अब डिवाइड कर लेना आप उसको, है ना। तो मेरे पास बच्चों ने जो आंसर दिया मैं लिख देता हूँ। निमित ने दिया था 0.41 और ऋत्विक ने दिया था 0.33। काफी अलग है यार दोनों के। एक मिनट सही देख लेते, 0.41 आएगा यार, 0.41 आएगा, नीचे 10^-19 है ना, तो 0.41 रहेगा, सही है क्या? 10^-20 19 से डिवाइड करोगे तो 10^-1 बचेगा ना, तो 0.41 आएगा, ठीक है, 0.41 इज करेक्ट। चलो इसके दोनों को हो गया इसके पार्ट। फिर लाइट विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकाल लो 2π से डिवाइड करके, इसको 2π से डिवाइड कर लो, तो इसमें आंसर हो जाएगा h इंटू न्यू 6.63 10^-34 इंटू न्यू, वो 2π से डिवाइड कर दो तो 100/2π इंटू 10^12, फिर से 10^14 हो गया, तो 6.63 अपॉन 2π इंटू 10^-20 जूल, यह आएगा। अब 2π कितना होगा, 3.14 का डबल, 3.14 का डबल मतलब 6.28, 6.28 और 6.63 का रेशियो लगभग लगभग 1 ही आएगा, तो दिस इज नियरली 1 इंटू 10^-20 जूल अप्रोक्सीमेटली, 1 से थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। चलो ये हो गया सेकंड। थर्ड, ईएम वेव में इक्वेशन दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन दी है वो देखकर आपको यहां से फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है। ये 2π डिवाइड करो तो 25 इंटू 10^15 है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इसमें एनर्जी हो जाएगी 6.63 इंटू 10^-34 इंटू 25 इंटू 10^15, ये तो कोई ओमेगा है, ईएम वेव की इक्वेशन में ओमेगा इंटू टी, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है, बस तो फ्रीक्वेंसी यूज कर लो। नाउ आप कैलकुलेशन आप पे छोड़ा मैंने, आप कर लीजिएगा। लास्ट पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका कोई आंसर बताइए। लास्ट पार्ट का कोई आंसर, हाँ वेट कर रहा हूं मैं।
चलो जल्दी से करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। आखिरी पार्ट का कोई आंसर? किसी का भी? ऋत्विक, निमित, आयुष, ध्यान से देखो जरा इक्वेशन को। मैंने दोनों टाइम का फंक्शन दिया है। एक्चुअली ये सिंगल वेव है ही नहीं, ये दो वेव का एडिशन है। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ई नॉट बाय टू, टू साइन थीटा कॉस थीटा। क्या होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा? क्या होता है, कुछ होता है फॉर्मूला? टू साइन, ये कॉस थीटा नहीं, कॉस टू थीटा है, तो टू साइन सी साइन डी, टू साइन सी कॉस डी, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है क्या? यहाँ पे डबल है ना बेटा, बेटा तो ये डबल होने की वजह से। हाँ तो हम इसका कुछ फॉर्मूला जो होता है वो लगा दो, टू साइन ए कॉस बी का कुछ फॉर्मूला होता हो या साइन सी कॉस डी, जैसा भी याद रखा हो आपने, तो वो लगा दो। क्या आएगा बताओ, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, क्या लिखूं बताइए जल्दी से। ऋतिक बोल रहा है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी लगा दो, तो साइन ऑफ ए प्लस बी करूंगा तो थ्री ओमेगा टी हो जाएगा, बीच में साइन क्या बताया आपने मुझे, प्लस, फिर साइन ऑफ ए माइनस बी करूंगा तो ओमेगा टी माइनस टू ओमेगा टी, तो माइनस साइन ओमेगा टी ऐसा आ जाएगा। तो ऐसा दिख रहा है ना, देखो ये एक्चुअली दो साइनसोइडल इक्वेशंस का एडिशन था, फेज थोड़ा अलग है, बीच में माइनस साइन क्योंकि फेज डिफरेंस होगा उनका। तो एक्चुअली दो तरह की फ्रीक्वेंसी के फोटोन है यहाँ पर, दो तरह के फ्रीक्वेंसी के फोटोन है, एक थ्री ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला है और एक एम ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला है। तो ये ई एम वेव एक्चुअली दो ई एम वेव का एडिशन था, बस अब इनकी तुम्हें फ्रीक्वेंसी दिख गई तो फोटोन की एनर्जी बता सकते हो, कर लोगे क्या? यहां पर एक्चुअली दो तरह के फोटोन है तो दोनों की एनर्जी से अपन आंसर देंगे। ठीक, ठीक है, हाँ दो आंसर्स आएंगे यहाँ पर, बिल्कुल सही, दो तरह के फोटोन है यहाँ पर, एक फोटोन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी थ्री ओमेगा है और दूसरे की ओमेगा। अब ओमेगा दिया हुआ था मैंने, 10^14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिख रही है, तो 10^14 वाला तो पहले पार्ट में निकाला, इसका ट्रिपल आएगा आंसर, एक आंसर इसका ट्रिपल होगा और दूसरा आंसर सेम यही होगा, है ना, एक आंसर इसका ट्रिपल और दूसरा आंसर बिल्कुल सेम यही। चलो तो ये कुछ एक दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सरफेस का वर्क फंक्शन जो है वो 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पे लाइट फॉल कर रही है 4000 एंगस्ट्रॉम की, 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट फॉल हो रही है, तो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व और नॉट, पहली चीज तो, और अगर ऑब्जर्व हो रहा है, इफ यस देन फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। करिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से।
तो आयुष बोल रहा है दिखेगा, ठीक है। अर्णव भी बोल रहा है यस होगा। के मैक्स भी निकाल दिया समर्थ ने, तो ठीक है। तो वर्क फंक्शन फोटोन की वेवलेंथ दी है, तो इसकी एनर्जी निकाल लो। एनर्जी ऑफ फोटोन वो आ जाएगी 12,420 अपॉन लैम्डा, है ना। 3,04 से डिवाइड करो, 3.1 और कुछ समथिंग, नियरली 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ये। तो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, सही बात है। अब डिफरेंस ले लो, के मैक्स विल बी 3.1 माइनस 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स। तो नियरली कितना जाएगा, ये 0.6 के आसपास आ जाएगा, लगभग 0.6 के आसपास आंसर हो जाएगा, ठीक। हाँ, के मैक्स बच्चों ने ज्यादा सही करा है, 0.62 बता रहे। हाँ, आपने ज्यादा कैलकुलेट सही करा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब के मैक्स आ गया, तो आप मुझे इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से निकल रहे वो बता सकते हो क्या, मैक्सिमम स्पीड क्या है उनकी। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड क्या है बताओ। मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बताओ। एमएक्स कैसे निकाला, आइंस्टाइन इक्वेशन से, एच न्यू माइनस फाइव फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, इस डिफरेंस से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। तो ये अपने कर दिया। अब मुझे मैक्सिमम एनर्जी पता है इलेक्ट्रॉन की कितनी है, और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो आप उससे स्पीड भी बता सकते हो, तो बताओ कितनी आएगी। आपको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए, क्या होता है। हाँ, मैक्सिमम एनर्जी पता है आपको, उसको हाफ एमवी स्क्वायर कर दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³¹ kg। स्पीड आपको फाइंड करना है, ठीक है, मैक्सिमम वाली स्पीड ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर, विच इज 0.62 बताया था आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.62 के साथ अब देखो निमित ने गड़बड़ कर दी भैया, 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तुम्हें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, 1.6 × 10⁻¹⁹। इससे सही आंसर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो एसआई में चाहिए ना हमको, ये मास एसआई में रखा है, स्पीड को एसआई में निकालेंगे, तो इसको भी एसआई में कन्वर्ट करेंगे हम, समझे। नहीं नहीं मैं, वो गलत है, 10⁻²⁶ तो नहीं आएगा, बहुत बहुत गलत आंसर है, ठीक है। चलो तो बच्चों के आंसर आ रहे हैं 10⁵ के ऑर्डर में। हाँ ऐसे ही कुछ होगा, बिकॉज ये 10⁻³ जब उधर जाएगा तो 10⁻³ बनेगा, +31 − 19 मतलब कितना आ जाएगा, अराउंड 11 12 12, 10⁻½, वो फिर रूट लोगे तो 10⁻⁶, तो वो थोड़ा सा नंबर नंबर सब सॉल्व होकर 10⁻⁵, 10⁻⁵ के ऑर्डर में आएगा। तो कई बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, वीमैक्स बच्चों का आंसर आ रहा है, जैसे आयुष का आया 4.62, समर्थ का आया, ऋतिक का आया, निमित का तो थोड़ा सा गलत दिख रहा है, तो 2.66 ऐसा कुछ बता रहे हैं मुझको बच्चे। न्यूमेरिकल वैल्यू आप चेक कर लेना, पावर 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास आएगी, है ना। निमित बता रहा है 4.6 और बाकी बच्चे 2.66। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेना यार क्या है, कैलकुलेशन है आप करना। चलो अब बताइए, ये स्पीड निकलवा के क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, तो पूछ लेंगे रेडियस क्या होगी इसकी, तो एमईसी इंक्लूड करा सकते हैं यहाँ पे, समझे। तो ऐसे काफी मिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो आज अपना आप टाइम ओवर हो चुका है, तो आज अपन यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन और देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, और उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आप लोग बिगिनर बॉक्स वन तो पूरा कर सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो आपको पूरा करके लाना है, बीबी वन कंप्लीट करके लाओगे, प्लस केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़कर आओगे।
कॉपी पेस्ट होने वाला है सब कुछ, 100% सेम चीज है, कुछ भी ज्यादा अलग नहीं होगा। तो आप बिल्कुल केमिस्ट्री में जो आया है, जो पढ़ा है, वो पूरा रिवाइज करके आना, ठीक है? चलो। हाँ और नो, मैग्नेटिक फील्ड देंगे ऑफ कोर्स। तो कल तो मेरी कोई क्लास ही नहीं है शायद आपकी, है ना? ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, टेक केयर, बाय।